फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों से लोगों का मानना है कि जब भी किसी की मौत होती है तो उसकी आत्मा को एक क्रो कैरी करता है जो उन्हें मौत के बाद की दुनिया में ले जाता है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जिनके साथ उनकी जिंदगी में इतना बुरा हुआ होता है कि उन्हें मरने के बाद भी भारी दुख होता है, जिनके दुख को अपने साथ ले जा पाना उस क्रो के लिए आसान नहीं होता। इसलिए वो ऐसी आत्माओं को उनके शरीर में वापस डाल देता है जिससे वो मौत के बाद भी सब कुछ फिर से सही कर पाए। और इस बैकग्राउंड के बाद हम एक क्राइम सीन को देखते हैं जहां हम एरिक की लाश को देखते हैं जिसे कुछ गुंडों ने मारकर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। वहां पुलिस वालों को शैली नाम की लड़की भी मिलती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसका उन्हीं गुंडों ने रेप किया और उसे बुरी तरह से घायल करके मरने के लिए छोड़ दिया। वहां ऑफिसर एल्ब्रिज को एरिक और शैली का वेडिंग कार्ड भी मिलता है जिनकी एक दिन पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद पुलिस वाले शैली को स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं कि तभी सहरा नाम की लड़की एल्ब्रिज से पूछती है कि क्या शैली भी एरिक की तरह मर जाएगी, जिस पर एल्ब्रिज कहता है कि शैली को कुछ नहीं होगा, जिसके बाद सहरा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो और ऐसा कहकर वो फूट फूट के रोने लगती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां एरिक और सहरा की कब्र एक दूसरे के पास ही बनी होती है और सहरा उनकी कब्र पर फूल चढ़ाती है कि तभी उसे एरिक की कब्र पर एक क्रो दिखाई देता है जिससे वो सवाल करती कि क्या तुम इस कब्र की रखवाली कर रहे हो, पर उसे कुछ जवाब ना मिलने पर सहरा वहां से जाने लगती है कि तभी वो क्रो एरिक की कब्र पर लगे पत्थर पर जोर जोर से अपनी चोंच मारने लगता है। जिसके बाद हम सहरा को एक हॉट डॉग शॉप पर देखते हैं जहां पुलिस ऑफिसर एल्ब्रिज उसे हॉट डॉग खिलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जिन्होंने एरिक और शैली को मारा था, जो एक दुकान पर तोड़फोड़ कर रहे थे जहां उनका एक साथी टाइम बॉम्ब लगा देता है। वहीं इधर कब्रिस्तान में हम उसी क्रो को देखते हैं जो एरिक की कब्र के ऊपर बैठा होता है, जो अब भी लगातार नीचे की तरफ देख रहा था। और फिर अचानक से एरिक अपने कब्र से बाहर निकलता है, जिसका मतलब ये कि ये क्रो एरिक की सोल को कैरी कर रहा था और उसने एरिक के शरीर में फिर से उसकी आत्मा डाल दी है। वहीं इस तरह वो शॉप में ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उन गुंडों ने बॉम्ब लगाया था, जिसके धमाके को सुनकर ऑफिस एल्ब्रिज तुरंत उसी तरफ भागते हैं। वहीं इधर वो क्रो एरिक को गाइड करते हुए सीधा उसी अपार्टमेंट में ले जाता है जहां एरिक और शैली की हत्या हुई थी। वहां एरिक को उसकी बिल्ली मिलती है जिसको छूते ही उसे कुछ बातें याद आने लगती है, जिसके बाद वो वहां की बाकी चीजों को छूता है और धीरे धीरे अब उसे सारी बातें याद आने लगती है। और अब हम जान पाते हैं कि वो किसी भी चीजों को छूकर उससे संबंधित सारी बातें जान सकता है। एरिक ये भी नोटिस करता है कि उसके घाव अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, जिसके बाद वो वहीं रखे हुए मेकअप के सामान को अपने चेहरे पर लगा देता है और काले कपड़े पहनकर उन गुंडों से अपनी और शैली की मौत का बदला लेने को तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टिनटिन को देखते हैं जो उन्हीं गुंडों में से एक था और वो अब एक दुकान पर एक सोने की अंगूठी और लेदर पर्स बेचने आया था, जो जाहिर है कि वो चोरी की थी। शॉपकीपर फिर भी उसे इसके बदले कुछ पैसे देता है जिसे लेकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम उसी क्रो को एरिक को गाइड करते हुए देखते हैं जिसका पीछा करते हुए एरिक एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है, जिस बिल्डिंग के पास से टिनटिन गुजर रहा होता है। और अब हम क्रो की नजर से टिनटिन को देखते हैं जिसके थ्रू एरिक भी देख पा रहा था, जिसका मतलब ये कि जो कुछ भी वो क्रो देखेगा उसे एरिक भी देख सकता है, फिर चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। जिसके बाद एरिक तुरंत टिनटिन के सामने आता है और आते ही उस पर टूट पड़ता है। वो लड़ते हुए टिनटिन से शैली के बारे में पूछता है, जहां पहले तो टिनटिन को कुछ याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसे सारी बातें याद आने लगती है तो वो एरिक को मारकर शैली की मौत को मजाक बनाने लगता है, जिसके बाद वो चाकू निकाल लेता है और एरिक को मारने के लिए फेंकता है। लेकिन एरिक उसके हर वार से बचते हुए उसे ही उसके चाकू से अंत में मार देता है, जिसके बाद वो सीधा उसी दुकान पर जाता है जहां टिनटिन ने लेदर पर्स बेचा था। वो अब उस दुकान के ओनर से शैली की अंगूठी के बारे में पूछता है, लेकिन वो एरिक पर गोली चला देता है, पर एरिक का घाव अपने आप ही भर जाता है, जिसके बाद एरिक उसे बहुत मारता है। और फिर अंत में शॉपकीपर उसे बताता है कि सामने वाले बॉक्स में कुछ अंगूठियां रखी है जिन्हें एरिक एक एक करके देखता है और अंत में शैली की अंगूठी उसे मिल जाती है, जिसके बाद उसे छूते ही उसे कुछ और विजन आते हैं। और अब वो शॉपकीपर से कहता है कि मैंने टिनटिन को मार दिया और तुम जाकर उसके साथियों को बता दो कि मैं जल्दी उनके पीछे भी आ रहा हूँ, जिसके बाद वो उस दुकान में आग लगा के चला जाता है। अब कुछ देर बाद हम टिनटिन की लाश के पास पुलिस को देखते हैं
जिन्हें दीवार पर टिनटिन के खून से क्रो की बनाई हुई ड्राइंग मिलती है। वहीं इधर एरिक दुकान से निकलकर बाहर आया ही होता है कि उसे ऑफिसर एलब्रिज रोक लेते हैं, लेकिन एरिक उन्हें शैली के केस के बारे में बताकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम सारा को देखते हैं जो अपने स्केटबोर्ड पर कहीं जा रही होती है कि तभी एक कार सामने से आ जाती है, लेकिन सही समय पर एरिक उसे बचा लेता है। वो अब अपना स्केटबोर्ड उठाई रही होती है कि तभी एरिक कुछ बातें बोलता है जिससे वो समझ जाती है कि ये एरिक ही है, लेकिन तब तक वो वहां से चला भी जाता है। अब आगे हम ऑफिसर एलब्रिज को देखते हैं जो एक साल पुराने एरिक और शैली के केस की फाइल्स को फिर से देख रहे होते हैं, जहां वो अपने साथ वाली महिला ऑफिसर को बताते हैं कि शैली ने कुछ गुंडों के खिलाफ केस किया था जिसके बाद उसे और उसके बॉयफ्रेंड एरिक को मार दिया गया। फिर एलब्रिज एरिक की फोटो पर ठीक उसी तरह के निशान बनाते हैं जैसा उन्होंने दुकान के सामने वाले आदमी के चेहरे पर देखा था जो कि एरिक ही था। अब फोटो पर निशान बनाने के बाद ऑफिसर एलब्रिज समझ जाते कि वो एरिक ही था जो उन्हें दुकान के सामने मिला था। अब अगले सीन में हम फन बॉय को देखते हैं जो टिनटिन का साथी था और वो सैरा की मॉम डेरला के साथ इंटीमेट होने वाला था। ये तभी उसकी खिड़की से क्रो अंदर आता है जिसकी नजरों से एरिक फन बॉय को देख रहा था, जिसके बाद वो उनके सामने आता है और फन बॉय को खुद पर गोली चलाने को कहता है, जो फन बॉय अंत में ऐसा ही करता है। लेकिन एरिक की चोट हमेशा की तरह इस बार भी भर जाती है और अब वो फन बॉय की पैर पर उसी की बंदूक से गोली मार देता है और उसे अब घसीटते हुए बाथरूम तक ले जाता है जहां डेरला डर के मारे पहले से ही छिपी हुई थी। वो अब डेरला से कहता है कि तुम एक माँ हो और तुम्हें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि तुम्हारी बेटी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिसके बाद डेरला वहां से रोते हुए भाग जाती है। अब इसके कुछ देर बाद हम फन बॉय की लाश को देखते हैं जिसे एरिक ने बहुत सारे ड्रग्स के इंजेक्शन देकर मार दिया था और उसके छाती पर भी क्रो का निशान बना दिया, जिसके बाद हम एरिक को ऑफिसर एलब्रिज के घर पर देखते हैं जो उनसे शैली के बारे में पूछता है, जहां एलब्रिज उसे बताते हैं कि वो शैली के साथी थे, जहां वो पूरे 30 घंटे तक दर्द में तड़पती रही जिसके बाद उसकी अंत में मौत हो गई। अब ये जानने के बाद एरिक ऑफिसर एलब्रिज के सिर को पकड़ता है और वो उन 30 घंटों के शैली के दर्द को महसूस कर पाता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम टॉप डॉलर को देखते हैं जो इस शहर की सभी गुंडों का बॉस होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नशा कर रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि खुद उसकी सगी बहन होती है। टॉप डॉलर की मर्जी के बिना इस शहर में कोई अपराध नहीं होता। उसके पास वही शॉपकीपर भी आता है जिसकी शॉप पर एरिक ने आग लगाई थी। उस शॉपकीपर को टॉप डॉलर ने ही बुलाया था क्योंकि उसे जानना था कि उसकी दुकान किस हादसे में जली या किसी ने उसकी दुकान को आग लगा दिया, क्योंकि टॉप डॉलर को किसी ने जानकारी नहीं दी कि कोई उस शॉपकीपर की दुकान जलाने वाला है। वो शॉपकीपर उसे एरिक के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि वो तुम्हारे जैसे गुंडों को मार रहा है और उसी ने टिनटिन और फन बॉय को भी मारा है, जिसकी बात सुनकर गुस्सेल टॉप डॉलर उसे जान से मार देता है। अब आगे हम टी बर्ड और स्कंक को देखते हैं और ये दोनों भी शैली को मारने में शामिल थे, जहां स्कंक एक शॉप में कुछ सामान लेने जाता है और टी बर्ड कार में उसका वेट करता है कि तभी उसके पीछे से एरिक उसे गन पॉइंट पर लेकर कार चलाने को कहता है और टी बर्ड को ऐसा करना ही पड़ता है। टी बर्ड को अब जाता देख स्कंक भी एक कार वाले को पीट कर उसकी कार छीन लेता है और अब उनकी कार का पीछा करता है। वहीं इधर एरिक टी बर्ड को बांध कर उसके पास एक बॉम्ब रख देता है और उसकी कार को गेयर में डालकर छोड़ देता है, जो अंत में नदी की तरफ जाने लगती है, लेकिन नदी में जाने से पहले ही वो बॉम्ब फट जाता है जिससे टी बर्ड की चीथड़े उड़ जाते हैं और एरिक उस जगह भी आग जलाकर क्रो का निशान छोड़ जाता है। आगे हम सैरा को एरिक के अपार्टमेंट में जाते देखते हैं, जहां जाकर उसे एरिक की बिल्ली मिलती है। वो अब एरिक को कई बार आवाज देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम यही हो, जिसके बाद एरिक उसके सामने प्रकट होता है जिससे मिलकर सैरा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम स्कंक को टॉप डॉलर के पास देखते हैं जो कहता है कि एरिक उसे भी नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद टॉप डॉलर अपने साथी को एरिक के बारे में पता करने को कहता है और वहीं उसका साथी एरिक की कब्र पर जाता है, जहां जाने पर उसे समझ जाता है कि एरिक किसी तरह फिर से जिंदा हो गया है। अब आगे हम टॉप डॉलर को एक मीटिंग अरेंज करते हुए देखते हैं जहां पर एरिक भी पहुंच जाता है और फिर वो स्कंक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे वो आदमी चाहिए, पर टॉप डॉलर सभी को गोली चलाने का आदेश दे देता है और अब सभी पागलों की तरह एरिक पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसके बाद वो अंत में वहीं गिर जाता है।
सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन एरिक अभी एक एक करके सबको मारने लगता है। पर टॉप डॉलर कैसे तो वहां से बच के निकलता है, पर आखिरकार एरिक स्कंक को भी मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है, क्योंकि उसने उन चारों को मार दिया था जिन्होंने शैली का रेप किया और उन दोनों की जान ले ली। जिसके बाद एरिक वापिस अपने कब्र के पास आ जाता है जहाँ पहले से ही सहरा मौजूद थी। सहरा उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। जिसके बाद एरिक उससे कहता है कि अब वो हमेशा के लिए सो जाएगा क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया है। वो सहरा को भी शैली की अंगूठी देता है जिसे सहरा अपने गले में लॉकेट की तरह पहन लेती है। जिसके बाद सहरा एरिक को अलविदा करके चली जाती है, लेकिन टॉप डॉलर का साथी सहरा को पकड़ लेता है और उसे एक पुराने चर्च में ले जाता है जहाँ वो एरिक को मदद के लिए आवाज लगाती है। वहाँ टॉप डॉलर सहरा के गले से शैली की अंगूठी ले लेता है। वहीं इधर एरिक सहरा की आवाज सुनकर तुरंत चर्च पहुंचता है। जहाँ पहुंचते ही टॉप डॉलर का साथी एरिक पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन एरिक उससे सहरा को छोड़ने की विनती करता है, जिस पर वो एरिक को गोली ना मारकर उसके क्रो पर गोली चला देता है जिससे एरिक का क्रो वहीं घायल हो जाता है। अब कंधे पर एरिक को गोली लगने पर उसकी चोट अब ठीक नहीं होती क्योंकि उसके क्रो को चोट लग गई थी। जिसके बाद अब वो सभी उस घायल क्रो को गोली मारने पड़ते हैं जिसके मदद से एरिक की भी जान निकल जाएगी। लेकिन तब तक ऑफिसर एलब्रिज वहां आकर उन सब पर गोलियां चला देते हैं और इस गोलीबारी में टॉप डॉलर का साथी मारा जाता है। जिसके बाद टॉप डॉलर सहरा को लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है और उसकी बहन एरिक के घायल क्रो को पकड़ लेती है। वहीं इधर ऑफिसर एलब्रिज एरिक के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि वो उन पर गोली चला देती है जिस पर एलब्रिज को गोली लग जाती है और अब एरिक अकेला ही ऊपर जाता है जहां उसके सामने टॉप डॉलर की बहन उसके क्रो को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रो उसकी आंख फोड़ देता है जिससे वो ऊंचाई से गिरकर मारी जाती है। और तभी एरिक को सहरा की आवाज भी आती है और अब वो देखता है कि टॉप डॉलर उसे चर्च की छत पर ले गया है। एरिक अब उसे विनती करता है कि सहरा को छोड़ दो, जिस पर टॉप डॉलर उसे सच में छोड़ देता है जिससे अब सहरा सीधे नीचे गिरने लगती है, पर भाग्य से वो छत पर ही लटक जाती है। पर अब टॉप डॉलर अपनी तलवार निकालकर एरिक पर वार करता है जिसमें वो एरिक पर भारी भी पड़ते नजर आते हैं और फिर अपनी तलवार एरिक के शरीर के आर पार भी कर देता है। पर अब एरिक बचाव में टॉप डॉलर के सिर को पकड़ लेता है और उसके अंदर शैली के 30 घंटे का सारा दर्द एक साथ ट्रांसफर कर देता है, जिस दर्द के कारण टॉप डॉलर वहां से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद एरिक सहरा को बचाता है और ऑफिसर एलब्रिज के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। वो अब शैली की कब्र पर जाता है जहाँ पर अब उसे शैली दिखाई देती है जिसे देखकर अब खुशी में दोनों किस शेयर करते हैं। जिसके बाद हम एरिक की कब्र पर उसी क्रो को देखते हैं जिसकी चोंच में शैली की वही अंगूठी थी जिसे एरिक ने सहरा को दिया था। इसके बाद हम सहरा को वहाँ आते हुए देखते हैं जिसे वो क्रो वो अंगूठी सौंप देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब दरअसल ये मूवी काफी सीरीज में है, तो अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी और इसके आगे का पार्ट भी देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।